प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी रामदेवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय। सर्व भक्तों की जय। धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय। श्री छुडानी धाम की जय। श्री करौथा धाम की जय। श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान निराकार निर्विषम काल जार भयवंदनम निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवेशन धुनम सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना निरतल उज्ज्वल हीरंबर हरदम अम्बे परवा अथा है वार पार नहीं मध्यतम ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलता ना करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊ गणनायक देवन देवा चरण कमल लो लाऊ आद्यंत करो सेवा परम शक्ति संगीतम हृदिचिदिदाता सोई अवगत गुण अतीतम सत पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पो शीशम भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष शेष मुख गावे पूजे आद गणेशा इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय धावे समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भव जल पारा कट है यम की फांसी 33 कोटि अधारा ध्यावे शेष 88 उतरे भौजल पारा कट है यम की फांसी कर जोरों विनती करूं सुंदरों चरण पर शीश गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम
चरण कमल में राखियो मैं बांदी जाम गुलाम। कुत्ता हूँ गुरु देव का रामपाल दास का नाम, गले प्रेम की जेवड़ी जाखे चोवा जाम। तो करो तो बावड़ू दूर दूर करो तो जाऊं, जो राखो त्यो ही रहूं, जो देव सुख जय इब के सतगुरु मिले, सब दुख आँखों रोए, चरणों ऊपर शीश धरो, कहूँ जो कहनी हो। कबीर गुरु जी मिलेंगे पूछेंगे कुशलात, आदि अंत की सब कहूँ अपने दिल की बात। गुरु जी तुम ना भूलियो, चाहे लाख लोग मिल जाएं, हम जैसे तुमको बहुत हैं, तुम जैसे हमको नहीं। तुम्हारे विसारे क्या बने, मैं किसकी शरण में जाऊं। शिव विरच मुनि नारद तिनके हरते ना समाम। अब गुण किए तो बहुत किए, करत न मानी हार, बावे बंदा बख्श दियो बावे गर्दन उतार। अब गुण मेरे बाप जी बक्सो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बोहर पिता को लाज। मैं अपराधी जन्म का नख सिख बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना, मेरी करो संभार। सूरत करो मम साईया, हम हैं भव जल माही, आप ही बह जावांगे जो तुम न पकड़ोगे बाण। बंदी छोड़ दयाल जी, तुम तक हमारी दौड़े, जैसे कागज हाज का अब सूजत और न ठोर। परम पिता परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव जी की असीम कृपा से, कबीर साहब जी की असीम कृपा से हम सभी काल के जाल में फंसे हुए प्राणियों को तत्व ज्ञान रूपी एक नई दिशा हमें प्राप्त हुई है। उसी परमेश्वर ने स्वयं कृपा करके अपने गुण अनुसार कि वो प्रत्येक युग में आते हैं, अपनी जानकारी यानी परमात्म तत्व को स्वयं ही बताते हैं और आत्म ज्ञान भी वही प्रदान करते हैं। आत्म ज्ञान क्या होता है, परमात्म ज्ञान क्या है? आत्म ज्ञान है अपने विषय में जानकारी, हम कहाँ से आए हैं, हमारा यहाँ जन्मने और मरने के पीछे क्या कारण है, इसकी क्या आवश्यकता है।
मृत्यु के उपरांत ये प्राणी कहाँ जाता है, इसकी क्या दशा होती है, इस प्राणी को क्या करना चाहिए, मानुष जीवन प्राप्त करके इसने कौन से शुभ कर्म करने चाहिए, कौन से अशुभ ना करने चाहिए, ये जानकारी आत्म ज्ञान कहलाता है। परमात्म ज्ञान है पूर्ण ब्रह्म, परम अक्षर ब्रह्म की जानकारी। परम अक्षर ब्रह्म यानी परमात्म तत्व की जानकारी केवल स्वयं परमात्मा ही आकर देता है, ये हमारे सभी सद्गुरु साक्षी हैं इस बात के। पवित्र वेदों में यही प्रमाण है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 86, मंत्र 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त 82, मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 96, 96, मंत्र 16 से लेकर 20, 21 तक, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 1, मंत्र नंबर 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9, सूक्त नंबर 20, मंत्र नंबर 1 में, और भी अनेकों स्थानों पर उस परमेश्वर की जानकारी है कि वो परमात्मा कबीर देव है, कबीर साहब है। वेद उसे कबीर देव लिखते हैं, हम अपनी मातृभाषा में उसी परमात्मा का नाम कबीर साहब बोलते और लिखते हैं, क्योंकि हम अपनी मदर लैंग्वेज में, मातृभाषा में, वह को हम वह बोलते हैं। पूरे पंजाब में, पूरे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, MP, जितने भी निकटवर्ती प्रदेश हैं हमारे सभी, और जितने संत हुए हैं, उन्होंने अपनी मातृभाषा में जो भी अपना अनुभव लिखा, उन्होंने वेदों को वेद बोला है, यानी हम वह को वह बोलते हैं, और ये शुद्ध हिंदी के जानने वाले इसको वह बोल देते हैं, वेद कह देते हैं। इसी प्रकार जहाँ वेदों में कवि शब्द लिखा है, कवि, कबीर, कबीर, तो हम उसको कबीर बोलते हैं, कबीर, वह बोलते हैं वह को। इतना ही बोलने का उच्चारण का अंतर है, प्रोनाउंसिएशन का ही फर्क है, बाकी जो वेदों में वर्णित है वो कबीर साहेब, वो पूर्ण परमात्मा है, उसको ये अधिक जो शिक्षित मानते हैं अपने आप को व्याकरण के ज्ञाता, उसको यदि कबीर देव की वो संधि छेद करके उसका अनुवाद करना चाहेंगे तो वो क्या लिखेंगे, कवि साहब, कवि परमेश्वर। कबीर देव का अनुवाद करने के लिए उन्हें लिखना पड़ेगा कवि परमेश्वर, हम उसको कवि परमेश्वर कह देते हैं, कवि। लेकिन वेदों में जैसे यजुर्वेद है, यजु अलग लिख दें, रे हटा दें, अपसर्ग लगा दें और वेद अलग लिख दें प्लस करके, तो इसका अगर हम आगे कोई अनुवाद करेंगे तो यजुर्वेद ही लिखना पड़ेगा, उस रे को हम मिटा नहीं सकते। ऐसे ही कबीर देव जहाँ लिखा है हम उसको कबीर देव बोलते हैं, कबीर देव। फिर हम देव को, परमेश्वर को, ते साहब को हम कबीर साहब कहने लगे, कबीर देव की बजाय कबीर साहब कहने लगे, कबीर परमेश्वर कहने लगे। तो इस प्रकार इसको अपभ्रंश भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम अपनी लैंग्वेज को अपभ्रंश नहीं मान सकते। तो ऐसे ये कबीर देव नाम परमात्मा का है, कबीर साहब को, कबीर देव को। तो वो कबीर देव, वो कबीर साहब अपने सतलोक से चलकर आता है, सत साधना करने वाले साधकों के सब विघ्नों को नाश करता है, अपने शरीर को सरल करता हुआ, क्योंकि परमात्मा का जो वास्तविक शरीर है, वास्तविक जो नूर है शरीर का, सतलोक में साकार है परमात्मा, और ये राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, ये निरंकारी पंथ, और अन्य भी जो अपने आप को विद्वान बताते हैं, मंडलेश्वर कहते हैं, परमात्मा